यार एवरी टाइम लेट 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 ये भी लेना है क्या? फास्ट है, कम ऑन। फास्ट 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 इट्स 2:32 एंड 3 बजे मेरा सोमा है दिमापुर के लिए। देख लेते हैं कुछ भूल तो नहीं गया। एवरीथिंग इज डन। बाय बाय हैंडशेक कितो हैंडशेक तो या थैंक यू यू विल बी मिस नागालैंड समडे। बाय बाय या थैंक यू। फास्ट 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 यार भागा भी नहीं जा रहा। हाल ऐसा है ना, कल जुको वैली से आया ना पूरा ट्रैक करके, पूरा बदन पैर मेरा पेट पूरा टूटने को हो रखा है। एंड दिस इज द होल कोहिमा सिटी। एंड भाई आप ये वाला जो बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज राजभवन पैलेस ऑफ नागालैंड। मेरा जो होस्ट है वो नीचे इसी कॉलोनी में, ऑफिसर्स कॉलोनी में रहता है, तो रात को यहाँ पे पिक करके ले आया था, बट नाउ ही इज इन द ऑफिस, सो आई हैव टू गो माई वे टू द सोमो काउंटर फॉर दिमापुर। हेलो एक्सक्यूज मी सर, From where I can get the sumo for Dimapur? Sumo? NST is there at this time or not? NST, I think you won't get NST. It's almost gone, na? So you have to go to see it. I don't know the exact place. But you can take taxi from... From there to the sumo counter, na? Yeah. Okay, thank you. Impeje jivishe. You know Angabi? Hoyo. तो भाई दिस इज आवर ब्यूटीफुल सिटी कोहिमा, बट इट्स टाइम टू से बाय बाय। जस्ट चेक आउट सम क्यूट किड्स आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। ओए हेलो, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ कोहिमा? केलो के एंड के ओलो तो ना जानी वो तो है जानी वो जानी एलिफेंट स्पेलिंग जे E L E P H A N T। यो Naga kids are so intelligent. Yeah, we mainlanders don't even know the spelling of elephant. Seriously. And just check here, some chickens are waiting for their death. Yeah, sumo counter काफी दूर है, तो कोई टैक्सी भी नहीं मिल रहा था। लिफ्ट के लिए हाथ डाला मैंने, भाई ने गाड़ी रोक लिया। Let's see कहाँ तक जा रहे हैं लोग। ओए दादा, ओए, where you guys are going? Dimapur. Okay, can I come with you? Sure. Okay. some local stuffs and let's talk about some local things. भाई एक चीज़ मैं जब से नागालैंड में आया हूँ ना, इट्स अराउंड यू कैन से 1.5 or 2 months, इतनी फैमिलीज ने मेरे को होस्ट किया, और जो मेरे को सबसे डिफरेंट चीज़ लगी, सबसे स्पेशल वाली, दैट पोर्क वॉज देयर इन एवरी फैमिली। यहाँ पे आई थिंक ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आप नागा लोग का दिन निकल जाए विदाउट ईटिंग पोर्क। व्हाई यू लाइक पोर्क दैट मच? Every festival na, if any child is getting birth pork, if anyone is dying pork, if anyone is losing their virginity pork so you can say pork is just like a delicacy here in Nagaland na. Bhai bhai ek special cheez dikhata hu main, that's the wild cat or what? भाई अब दिखाता हूँ मैं आपको स्पेशल चीज़। हम जस्ट रोड से जा रहे थे, फिर नागालैंड के अंदर रोड के ऊपर लोग क्या बेचते हुए मिलेंगे। ओए किन्नी का आशे एतु की आशे वाइल्ड कैट आशे की आशे। ओके थैंक यू ब्रदर। कुमन टका
5,000. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders. Okay, brother, thank you so much. Milega fir kabhi? It's 60. Okay. So finally, hum pahunch chuke hain commercial hub of Nagaland. क्योंकि भाई मैंने इतना नागालैंड घूमा जहाँ पे भी था ना मैं एवरीवन मतलब थोड़ा अपर क्लास का बंदा था एवरीवन इज टॉकिंग आई एम बाइंग ए लैंड इन दिमापुर आई एम गोइंग टू बिल्ड माय होम इन दिमापुर आई एम गोइंग दिमापुर टू फॉर द सर्विसिंग ऑफ माय कार एवरीथिंग दिमापुर 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 विदाउट दिमापुर यू कांट सर्वाइव इन नागालैंड ये कि अपना जो भाई था हंगामी भाई उसने अपने जो ड्राइवर है इनको एड्रेस बताया मेरे को पता भी नहीं अपने कहाँ पे जा रहे हैं दादा आपने तो खुद जाए यहाँ से दिमापुर स्टेशन दिमापुर स्टेशन हाँ रेलवे स्टेशन मोहिला ड्रॉप पूरी यहाँ से आप मेरे को कहाँ पे छोड़ेगा स्टेशन में छोड़ेगा स्टेशन पे ओके सो करंट टाइम इज़ 10 और मैं पहुंच चुका हूं अपने दिमापुर रेलवे स्टेशन पे सो दिस इज़ गोना आवर लास्ट वीडियो फ्रॉम द नागालैंड सीरीज़ आई होप यू एंजॉयड द होल सीरीज़ एंड और आई होप कि ये वाला सीरीज़ देखने के बाद जो मेनलैंड के लोग हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया जो नॉर्थर्न पार्ट है जो साउथर्न पार्ट है जो भी मतलब आपके मिसकनसेप्शंस हैं अबाउट द नागालैंड अबाउट नागा पीपल दे आर डेंजरस दे एट ह्यूमन दे ब्ला 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 ये सब कुछ दूर हो जाएँ क्योंकि ये वाला सीरीज़ देखने के बाद आपको भी पता चलेगा कि नागा पीपल आर सुपर्ब ऑनेस्ट सुपर्ब हॉस्पिटेबल एंड लविंग पीपल यार सब सच में मैं इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्टेट्स में रहा हूँ लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट था सीरियसली और जो पीछे फोटो दिख रहा है आपको कोन्याक्स का यहाँ पे भी गए थे तो बोलते हैं कि कोन्याक्स आर वेरी डेंजरस दे आर हेड हंटर्स बट ऐसा भी कुछ नहीं था हम कोन्याक्स लोग के साथ में भी उनके गाँव में भी घूमे सब कुछ देखा आपने सो डोंट स्प्रेड हेट स्प्रेड लव भाई देखना उतरने नहीं देंगे इनको जनता अरे पहले उधर जाने दो ना यार अपने को ही चढ़ना है ऊपर शांति रखो शांति 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 बड़ी चीज है सीट तो आती जाती रहेगी तो अपनी काम दिल्ली एयरपोर्ट आयशे स्वागत कुरिशे एंड भाई नागालैंड से तो मैं निकल के दिल्ली आ गया लेकिन नागा में इस दिमाग से नहीं निकला जब भी बोलता हूँ तो ये वर्ड्स आते रहते हैं क्योंकि प्यार इतना मिला भाई नागा भाइयों से मिस करने वाला हूँ मैं नागालैंड को नैरोबी केन्या के अंदर जाने के बाद में सो दिस इज़ माय बोर्डिंग पास और बाकी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं मेरे को ज़्यादा एयरपोर्ट पे लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ छोटा सा तो नहीं बहुत बड़ा वाला क्योंकि मैंने रिटर्न टिकट नहीं किया था और जो आपको फॉर्म मिलता है स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ बुकिंग योर टिकट उसमें क्लियर लिखा होता है कि आपको रिटर्न टिकट करना ही करना पड़ेगा क्योंकि ये इनकी पॉलिसी होती है तो भाई मैंने रिटर्न टिकट के ऊपर भरोसा किया नहीं क्योंकि पता नहीं ना ट्रैवल प्लान कब कैसे कैसे बनते जाएँ बनते जाएँ तो मैंने वो डमी वाला टिकट कर लिया और डमी वाले ने दे दिया मेरे को लास्ट टाइम पे धोखा तो भाई यहाँ नहीं बात मैंने इमिग्रेशन वाले ऑफिसर से बात की उनको अच्छे से सिचुएशन समझाया भाई ऐसे बोलते हैं ना कि ये नहीं होता वो नहीं होता सब कुछ होता है अगर आप अच्छे से समझाते हो ना बैठ के अपना सिचुएशन बताते हो अगले को समझ जाता है तो उन इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को सोल्यूशन ये दिया कि आप जा तो सकते हो बट आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको ये जो वाइब्री फॉर्म है नीचे दिख रहा है ये फिल करना पड़ेगा इसमें क्या होता है कि आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है केन्या में जाने के बाद अगर वो मेरे को डिपोर्ट करेंगे तो दैट्स अप टू मी बट केन्या जैसे देश में और अफ्रीकन देश में जाने के बाद आपको कोई डिपोर्ट नहीं करेगा बिकॉज भाई टूरिस्ट आ रहा है उनका इकोनॉमी चल रहा है कौन डिपोर्ट करेगा ना सो एंजॉय द जर्नी तो भाई अपना सीट नंबर है 35A है तो विंडो सीट लेकिन विंडो थोड़ा सा इसके अंदर लेकिन चलेगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बैग सो अभी अपना जो फ्लाइट है वो क्या कनेक्टिंग फ्लाइट है तो ये पहले जाएगा यहाँ से अदिस अबाबा वहाँ पे स्टे होने वाला है अराउंड 20 आवर्स एंड आफ्टर दैट वी विल फ्लाई फॉर केन्या यार बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है देखो लेग स्पेस बिल्कुल जीरो लेग स्पेस है जीरो और भाई अभी तक तो कोई ज़्यादा पैसेंजर आया नहीं है पूरा अपना प्लेन खाली 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 पड़ा है लेकिन अदिस अबाबा पहुँचते पहुँचते रास्ते में बहुत मिल जाएगा आई होप सो आई शुड चेंज माई सीट ना यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा व्यू ना
9, so Addis Ababa. For honor, the subscription supply which is penalized with traffic is best airline for the district. यहाँ पे बैठते हैं भाई, पूरा खाली पड़ा है, जहाँ पे मन करे वहीं पे बैठ जाओ, यहाँ से व्यू अच्छा आएगा ना भाई। सीट्स का इंटीरियर चेक करो, ये आपका हो गया कप होल्डर, आपका सिटिंग टेबल हो गया खाना वगैरह खाने के लिए, एंड दिस थिंग। भाई ये देख के मेरे को भी डर लग रहा है भाई, हाल देखो इथियोपियन एयरलाइंस भाई, बहुत ज़्यादा देगा ना, ये बचाएगा शायद हमें। सो फाइनली टाइम टू फ्लाई, मूव होने लगा है भाई, रिवर्स कर रहे हैं आपका टोकार से, टच भी काम नहीं करता क्या इनका। दिल दहला देने वाली आवाज कर रही है सच में, कोई कमजोर दिल वाला होता तो भाग जाता उतर के। कुछ बोलो, लेकिन आपकी ये जो वाली फीलिंग होती है ना जब हवा में ऐसे जाती है, तो उसमें बहुत मजा आता है, जैसे कि अपने जो झूले वगैरह पे नहीं आता एकदम से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे गुदगुदी होती है दिल के अंदर आई लाइक इट। आई नीड सम हेल्प, द टच इज नॉट वर्किंग, आवर करंट लोकेशन इज स्पेशियाले। तो भाई ये अपना पूरा लिखा चुका, फ्लाइट अभी जो उड़ रहे, एल्टीट्यूड है 38,000 feet, और भाई स्पीड देखो 896 किलोमीटर, और टेम्परेचर बाहर का -47, भाई पूरा एशिया का याकूत बना हुआ है। सो दोपहर का टाइम हो रहा है अराउंड 2, और अपनी लैंडिंग में अराउंड 1 घंटा बचा है, तो बाकी सब चीज़ तो देख ही रहे हैं। And let me show you one more thing, the toilets of Ethiopian Airlines. Smoking is prohibited and this thing, ek kya chiz hai bhai, to bachcha so raha lagta hai niche. Okay, baby pumping is prohibited in the toilet. Okay, lekin main to baby leke nahi aaya, so bilkul chhota sa cabin hai, bilkul chhota sa bhai, agar koi hathi bhai jaisa hota na to sach mein bottle dhoondna padta usko. तो भाई जो टाइम है वो हो चुका है 1 PM, और हम अभी लैंडिंग करने वाले हैं अदिस अबाबा, दिल्ली अदिस अबाबा। भाई इसने टाइम लिया 5 घंटे 53 मिनट्स, डिस्टेंस कवर किया 5,143 किलोमीटर, इसका हाइट 10,000 है, स्पीड 411 है, हाफ हो गया स्पीड। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत, जस्ट लाइक चंडीगढ़, एवरीथिंग स्क्वायर के ऊपर कट हो रहा है, ऐसे इंडिया की तरह नहीं कि जिग-जैग ऐसे कुछ भी शहर बना हुआ, टोटल प्रॉपरली इन ए वे। ये भी ब्रिटिशर्स ने बसाया गया भाई, मे बी ब्रिटिशर्स कॉलोनी टाइम का हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। सो एयरपोर्ट से आ चुके हैं बाहर, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल सिटी अदिस अबाबा। भाई सेम श्रीनगर वाली वाइब्स आ रही है, और टेम्परेचर भी उतना ही है 15 डिग्री के आसपास, ठंडी लग रहा है मेरे को। और ये आ चुका है अपना बस अपने को पिक करने के लिए फॉर द होटल, होटल स्काईलाइट। भाई ये क्या भंगड़ा हो गया, एक्चुअली हुआ कि अपना वैन फुल हो गया, तो वो बंदा बोला कि थोड़ा वेट करो, इसी चक्कर में बारिश आ गया, हम ठीक रहे हैं यहाँ पे। आस्क देम हाउ मच टाइम दे विल टेक फॉर टैक्सी, दिस होटल स्काईलाइट।
Which hotel? Skylight. Skylight? Yeah. Hello? Hello? इंदिरा नगर रिजॉर्ट। ये भाई साहब क्या अपना हेल्प कर रहे हैं यार, वो बंदा तो चला गया दो मिनट का बोल के, आधा घंटा हो चुका है यहाँ पे, ठंडा लग रहा है, मेरा लगेज भी पूरा वहीं पे रह गया। वो लोग बोल रहे हैं कल जो फ्लाइट है उसके अंदर डायरेक्ट ही शिफ्ट कर देंगे, अभी कुछ नहीं मिलेगा। बंदे हेल्पफुल है भाई, जैसा सुना था वैसा नहीं होता। आ गया भाई, आ गया, बस फाइनली आ गया। होटल स्काईलाइट? या स्काईलाइट वेरी जस्ट चेक। या स्काईलाइट एवरीथिंग ओके? या ओके। थैंक Hey, what? I don't know what is this. Is this 1T? What are they writing here? Let me ask someone. Which one is yours? Mine is A314. Okay. Room is good? Nice, nice. Let me show you, man. Okay. Rooms are quite nice. Yeah. Rooms are nice, yeah? And what about the view? What you need to... Oh my god. Lovely. Lovely. Yeah. And look there. Woohoo. Wow. But it's too cold here. Yeah, that's a problem we have. Yeah. Yeah. And I don't have a jacket. So bhai jo ye mereko apne flight mein mila tha, same aa raha hai bhai bhi. You study where? Delhi? Ludhiana PCTE. Okay. So we are friends and abhi mujhe nahi lagta ki main apne room mein jaunga, hum dono chill karne wale. We got a bit good company na, yeah. We'll enjoy.